खबर शामिल करते हैं। लाहौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नज़्बुल ऐन है। इंसानियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि दुनिया भर में इंसानियत के खिदमतगारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। उन्होंने कहा की खिदमत में मसरूफ तमाम रेस्क्यूअर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, इमदादी कारकुनान को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। आवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मनसूबे अवलीन तरजीह है। इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नज़्बुल ऐन है। उनका कहना था की इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान के पहली एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इंसानियत की खिदमत के अजम को निभाते हुए अस्पतालों और आकर सेहत की अपग्रेडेशन शुरू की। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन वेल्स और मुफ्त अद्वियात दहलीज पर पहुंचाई जा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत की खिदमत का मिशन पूरा करने के लिए रेस्क्यू 1122 को मोटरवेज पर तैनात किया जा रहा है। ऐसे मुआशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ इंसान को इज्जत वकार के साथ जीने का हक हासिल हो। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था की इंसानियत के खिदमतगार बने, जो मुश्किल में हो उसकी मदद करें, ये फर्ज भी और हमारी रिवायत भी। इंसानियत की खिदमत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला भी राजी होते हैं।